ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 16 रेलवे रोड पर स्थित मीट मार्केट पर चला नगर परिषद का पंजा, 7 दुकानों को खाली करवाकर उन पर जबरदस्त जेवीसी चलाएगी। आपको बता दें कि इस मार्केट में दुकानदार पिछले कई दशकों से कारोबार करते थे, लेकिन आज ये सभी सड़क पर आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर नगर परिषद के इस मार्केट में दुकानें मालिकों ने अपनी दुकान आगे किराए पर दी हुई थी। इन दुकानों के टूटने पर दुकान मालिकों को तो पालिका बाजार में फिर दुकानें मिल गई, लेकिन जो असल में दुकानदार थे वो सड़क पर आ गए हैं। सोलन रेलवे रोड पर स्थित मीट मार्केट पर चला नगर परिषद का पंजा, 7 दुकानों को खाली करवाकर उन पर जबरन जेसीबी चलाई गई। आपको बता दें कि इस मार्केट में दुकानदार पिछले कई दशकों से कारोबार करते थे, लेकिन आज वे सभी सड़क पर आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर नगर परिषद की इस मार्केट में दुकान मालिकों ने अपनी दुकानें आगे किराए पर दी हुई थी। इन दुकानों के टूटने पर दुकान मालिकों को तो पालिका बाजार में फिर से दुकानें मिल गई, लेकिन जो असल में दुकानदार थे वे आज सड़क पर आ चुके हैं। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा दुकान मालिकों को दुकान खाली करने के नोटिस दिए गए थे, जिसमें से कुछ ने दुकानें खाली कर दी थी और कुछ की आज सुबह खाली करवाई गई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई नई पार्किंग के लिए चौड़ा रास्ता बनाने के लिए इन दुकानों को तोड़ा जा रहा है, ताकि पार्किंग में आने जाने वालों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। नगर परिषद सोलन द्वारा रेलवे स्टेशन रोड पे मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके रास्ते में एमसी सोलन की 7 छोटी बड़ी दुकानें थी, जिससे उस पार्किंग की अप्रोच बननी है तो उनको तोड़ा जा रहा है। उन लोगों को पहले से ही एमसी द्वारा नोटिस दिए गए थे खाली करने के लिए। इन लोगों ने एमसी के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इनको खाली कर दिया और आज हम इसको तोड़ रहे हैं, और जल्द ही सोलन वासियों के लिए एमसी नगर परिषद द्वारा मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और इसमें कम से कम 150 छोटी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग के लिए निर्माण एमसी द्वारा किया जा रहा है। रास्ता है ये मेन रेलवे स्टेशन सोलन को जाता है, जिससे इधर काफ़ी न्यूसेंस थी, बहुत लोगों की पहले से डिमांड थी, जिसका नगर परिषद सोलन की बैठक में निर्णय लिया गया प्रेसिडेंट और उनके पार्षदों द्वारा कि इसका निर्माण को जल्दी तोड़वा के इधर मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाए। जो तोड़ा जा रहा है नगर परिषद का खुद का निर्माण है, इसमें लोगों ने सब लेटिंग कर दी थी आगे, और इन दुकानों की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। मेरा नाम दीपराज हंस, वर्क सेंटर इंस्पेक्टर नगर परिषद सोलन। आज हमें रेलवे रोड पे मीट मार्केट की दुकानों को तोड़ने के आदेश हुए हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।